नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है टैक्स विचार में। आज हम बात करेंगे इज माय ट्रिप प्लानर लिमिटेड आईपीओ के ग्रे मार्केट प्रीमियम और लिस्टिंग गेन कितना निकल के आ रहा है। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँ आप सबसे पहले देख सकें। और जिन लोगों ने अभी तक डीमैट अकाउंट नहीं खुलवाया तो प्लीज़ मेरे दिए गए डिस्क्रिप्शन के लिंक पर जाकर आप अपना फ्री ऑफ कॉस्ट डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं। आज की तारीख में फ्री ऑफ कॉस्ट है पर आने वाले दिनों में पेड अप हो सकता है, तो प्लीज़ मैक्सिमम बेनिफिट उठाइए और आज ही अपना फ्री ऑफ कॉस्ट डीमैट अकाउंट जरूर खुलवाइए। मैं हूँ निकुंज टैक्स विचार से, तो लीजिए शुरू करते हैं। इज माई ट्रिप प्लानर का हम टाइम टेबल देख लेते हैं। आईपीओ ओपन हुआ है 8 मार्च को, क्लोज हुआ है 10 मार्च को। बेसिस ऑफ अलॉटमेंट डेट, जी हाँ, अलॉटमेंट डेट है 16 मार्च, कभी कभार 16 से 17 भी हो जाता है क्योंकि आजकल ये आईपीओ बहुत ही और सब्सक्राइब हो रहे हैं, इसका मतलब कि थोड़ा डिले रहता है। आप मान के चलिए 17 तारीख तक तो आपको ऑनलाइन स्टेटस दिखाई देगा। और मैं आपको कमेंट बॉक्स में भी अगर अलॉटमेंट हो जाता है तो वो कमेंट बॉक्स में मैं आपको बता दूंगा कि ये अलॉटमेंट अभी हो गया, आप अभी से आप देख सकते हैं ऑनलाइन अलॉटमेंट स्टेटस। उसके लिए आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा और मेरे साथ जुड़ा रहना पड़ेगा। और मैंने अलॉटमेंट कैसे आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं इसके ऊपर पूरा डिटेल में वीडियो बना रखा है, तो आप वहाँ पर जाकर भी अलॉटमेंट स्टेटस कैसे चेक करना है वो देख सकते हैं। अगर ये आईपीओ आपको नहीं लगता है तो फिर आपको रिफंड मार्च 17 को मिल जाएगा, और अगर ये आपको आईपीओ लगता है तो आपके डीमैट अकाउंट में मार्च 18 को आ जाएगा। और लिस्टिंग डेट, जी हाँ दोस्तों, मार्च 19 को ये लिस्टिंग होने वाला है, और लिस्टिंग गेन कितना होगा वो हम आगे देखेंगे। अगर ये बात आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसी बात पर एक लाइक तो ज़रूर बनता है। इज माई ट्रिप प्लानर लिमिटेड का सब्सक्रिप्शन देख लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, सब्सक्रिप्शन देखना जरूरी क्यों है, क्योंकि सब्सक्रिप्शन पे आपको पता चलेगा कि जितना ज़्यादा मैक्सिमम सब्सक्राइब और सब्सक्राइब हुआ है इसका मतलब कि उतने ही कम चांसेस आपको मिलने में है। QIB में 77.53 टाइम सब्सक्राइब हुआ है, NII में 382.21 टाइम सब्सक्राइब हुआ है, रिटेल इन्वेस्टर 70.40 टाइम सब्सक्राइब हुआ है, टोटल 159.33 टाइम्स यहाँ पे सब्सक्राइब हुआ है, मतलब कि भारी मात्रा में यहाँ पे सब्सक्रिप्शन देखा गया है। इसका मतलब कि लिस्टिंग गेन और ग्रे मार्केट प्रीमियम तो ऊपर ही रहेगा, कितना रहेगा वो आगे देखते हैं। अगर बातें आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ मुझे लाइक कीजिए, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। और आपके प्रश्न हमेशा मैं उनके जवाब देता रहता हूँ, और जो भी आपकी डिफ़िकल्टीज है मैं वो सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आपके जो भी प्रॉब्लम है वो मुझे बताइए, तो मैं उसको ट्राई करूँगा सॉल्व करने की। इज माय ट्रिप प्लानर लिमिटेड आईपीओ का ग्रे मार्केट प्रीमियम आज की तारीख में 130 रुपीस चल रहा है। जी हाँ दोस्तों, ये अभी आज के दिन 130 रुपीस चल रहा है। ग्रे मार्केट प्रीमियम का हम डिटेल में देख लेते हैं, ऊपर नीचे चढ़ाव। तो ये मार्च 2 से लेकर 12 मार्च तक का हम ग्रे मार्केट प्रीमियम देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मार्च 2 को 90 रुपये था, 155, 125। आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे ग्राफ बना रहा हूँ, ऊपर नीचे यहाँ पे चढ़ाव हो रहे हैं। यहाँ पे एक 160 रुपया भी एक दिन था, वो 160 रुपया आ गया है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे 160 मैक्सिमम आ चुका है ये। फिर ये लगातार गिरता हुआ 130 रुपये पे आज के तारीख में आ गया है। जी हाँ दोस्तों, तो यहाँ पे हमने देखा कि 130 पे आज 12 तारीख को ये गाड़ी यहाँ पे आ चुकी है। अब और नीचे जाएगी या ऊपर जाएगी वो हम आगे के वीडियो में लगातार पोस्ट करते रहेंगे। इसके लिए आपको मेरे साथ जुड़ा रहना पड़ेगा और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा, क्योंकि मैं ऐसे ही धमाकेदार वीडियो बनाता रहता हूँ सिर्फ और सिर्फ आपके लिए।
तो प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन भी दबा लीजिए, ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँ आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले और आप सबसे पहले देख सके, और आप सबसे पहले वीडियो देख के ये अनुमान लगा सकते हैं कि ग्रे मार्केट प्रीमियम और लिस्टिंग गेन क्या हो सकता है। चलो आगे देख लेते हैं, इसमेट्री प्लांट्स लिमिटेड का लिस्टिंग गेन देख लेते हैं। हाँ जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे कट ऑफ प्राइस हमने देखा 187। जी हाँ दोस्तों, अपर प्राइस बैंड, जी हाँ अपर प्राइस बैंड पे ही आपको एप्लीकेशन करना है। जी हाँ दोस्तों, कोई लोग नए रहते हैं वो बिडिंग कर देते हैं लो प्राइस पे, तो वो गलत बात है। आप मैक्सिमम आपको एप्लीकेशन करनी है अपर बिड पे। अपर बिड पे क्या हो जाता है, आपको अलॉटमेंट चांसेस बढ़ जाते हैं। मार्केट लॉट 80 नंबर ऑफ शेयर्स यहाँ पे में अप्लाई करना है, एक लॉट में 80 शेयर्स आएंगे। प्रीमियम हमने देखा 130 रुपया चल रहा है आज के तारीख में, प्रीमियम और कट ऑफ प्राइस को प्लस कर दिया जाए तो 317 रुपीज़ निकल के आते हैं। मार्केट लॉट मल्टीप्लाई बाय कट ऑफ प्राइस करेंगे तो 14,960 रुपीज़ निकल के आता है। अभी मार्केट लॉट प्लस प्रीमियम प्लस कट ऑफ करते हैं तो 25,360 रुपीज़ निकल के आता है। इन दोनों को माइनस कर देंगे तो 10,400 रुपीज़ निकल के आता है। मतलब कि ये लिस्टिंग गेन आपका 10,000, कम से कम आप यहाँ से 10,000 रुपया लेकर जा सकते हैं, और ये प्रॉफिट निकल के आता है आपका 69.52%। जी हाँ दोस्तों, अप्रॉक्स 70% यहाँ पे आपको मिल रहा है, ये तो अच्छी बात है ना। तो मेरा कोशिश यही रहेगा कि आपको मैक्सिमम प्रॉफिट मिले और यहाँ से आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसा बना के जाइए। जी हाँ दोस्तों, आगे देखते हैं। इस आईपीओ के लिए आपको मेरी तरफ से मैक्सिमम प्रॉफिट मिले, लिस्टिंग गेन मिले और ग्रे मार्केट प्रीमियम लगातार बढ़ता रहे। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और आप ऐसे ही कमाते रहिए। मैं ऐसे ही कमाने के मौके आपके लिए लाता रहता हूँ, और मेरे साथ जुड़े रहिए और मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करिए। और जिन लोगों को आज के तारीख का ग्रे मार्केट नहीं प्रीमियम मालूम, उन लोगों को मेरा वीडियो फॉरवर्ड करिए, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और मुझे आगे और वीडियो ऐसे बनाने में बहुत ही उत्साहपूर्वक और मोटिवेट आपका मुझे और वीडियो बनाने को उत्सुक करता है, और मैं ऐसे वीडियो बनाता रहता हूँ। तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और ये वीडियो मैक्सिमम अपने सोशल ग्रुप में स्प्रेड करिए। मुझे दीजिए इजाज़त, मैं हूँ टेक्सु विचार से निकुंज, मिलते हैं नए वीडियो में।